अस्सलामुअलैकुम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जूसी एग नूडल्स की रेसिपी। पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, एक चम्मच नमक भी शामिल करेंगे। इसे बॉईल होने देंगे। जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो एग नूडल्स को इसमें ज़बरदस्ती एडजस्ट करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। नूडल्स जब हमारे बॉईल हो जाएंगे तो हम इन्हें ठंडे पानी में जो है ना डालकर अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। आप एक दफ़ा धोकर छोड़ दिया करें, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा इसको धोया करें और इस तरह से भी बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल खिले खिले जो है ना आपको एग नूडल्स मिलेंगे। अब रेडी करते हैं इसका मसाला। थोड़ा सा ऑयल लेना है, इसमें एक चम्मच के बराबर हमने गार्लिक लेना है, उसको लाइट सा ब्राउन करना है। जैसे ही हमें अपनी मर्जी का कलर मिल जाएगा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। यहाँ मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि जो हड्डी वाला गोश्त होता है उसकी जो यखनी निकलती है उसका लेवल ही अलग है। हल्का सा चिकन को फ्राई करने के बाद एक चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर और चाउमीन मसाला यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक बड़ा चम्मच भर कर। आप घर के मसाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया सॉस थोड़ा सा शामिल किया है, थोड़ा सा मैंने सिरका शामिल किया है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है इस मसाले में और इसमें पानी शामिल करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हम जो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो सूप है, जो इसका स्टॉक है वो अच्छे से निकले और जो फ्लेवर्स हम चाहते हैं हमारी मर्ज़ी के, जो कि सिर्फ हड्डी वाले गोश्त से ही मिलते हैं, वो जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से निकल के आ जाए। इस तरह से जब चिकन गल जाएगा, थोड़ा सा मैंने इसमें मैश कर दिया है ऊपर से चिकन उतार कर, और इसमें मैंने एग नूडल्स शामिल कर दिए हैं और इसको मैंने रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए दम पर। तो ये अच्छे से जो है ना मसाला एग नूडल्स के साथ चिपक जाएगा। इसके बाद इसको आपने डिश आउट कर लेना है। ये लीजिए एग नूडल्स यमी से रेडी हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।